तो आज पहले से हम चालू करेंगे कि हम OSPF को एक डिवाइस में कैसे इनेबल करेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है, जितने भी IGP प्रोटोकॉल के बारे में हम जानते हैं, सारे IGP प्रोटोकॉल को आपको दो तरह का इनेबल करना पड़ता है। सबसे पहले आपको IGP प्रोटोकॉल की प्रोसेस को ऑन करना पड़ता है डिवाइस के ऊपर ग्लोबली। जिस प्रोसेस को ऑन करने के लिए आपको ग्लोबली जो कमांड आपके राउटर OSPF या फिर कुछ भी IGP जो भी आपका कमांड होता है वो चालू करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको पर इंटरफेस बेसिस, जिस इंटरफेस को, इंटरफेस की नेटवर्क को आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं OSPF में, या फिर जिस इंटरफेस से आप नेबरशिप बनाना चाहते हो अपने नेबर को, जिस इंटरफेस से अपना नेबर कनेक्ट है, तो उस इंटरफेस को आपको क्या करना पड़ता है OSPF, उसके लिए फिर से आपको नेटवर्क कमांड के जरिए इनेबल करना पड़ता है। तो पहले हम बात करते हैं ग्लोबली हम कैसे OSPF को इनेबल करेंगे। तो ग्लोबली जब हम एक राउटर के ऊपर जाएंगे तो उसमें हमें बस सेम कमांड आपका होता है राउटर OSPF, उसी तरह का हमें भी चलाना पड़ता है, और उसके लिए हमें एक प्रोसेस आईडी की जरूरत होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आईडी बेसिकली आपका एक नंबर होता है, ये नंबर आपका OSPF की प्रोसेस को चालू करने के लिए आपको यूज होता है, और ये आपका लोकली सिग्निफिकेंट होता है। लोकली सिग्निफिकेंट का मतलब यही है कि ये अगर राउटर वन आपके पास है, राउटर वन के ऊपर अगर आप प्रोसेस आईडी चला रहे हो वन, तो इसका मतलब ये वन का इंफॉर्मेशन बस ये राउटर वन के लिए लिमिटेड रहेगा, ये इंफॉर्मेशन आगे कोई भी आपका नेबर कनेक्ट है उसके पास आपका ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस आईडी बस ये इसीलिए ये आपका हमेशा लिमिटेड जिस डिवाइस के ऊपर आप चला रहे हो उसी डिवाइस के लिए है, लेकिन नेबरशिप वगैरह के लिए कोई क्राइटेरिया के अंदर ये आपका नहीं आता है। इसके पास अगर प्रोसेस आईडी 2 है, इसके पास अगर प्रोसेस आईडी आपका 10 है, तो उस केस में भी आपका नेबरशिप हो जाएगा। लेकिन EIGRP के केस में आप ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज कर रहे थे, तो इसलिए आपका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपका सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपका जो प्रोसेस आईडी आपके पास है वो प्रोसेस आईडी आपका सेम ना हो तो भी आपका चल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस आईडी आपका लोकली सिग्निफिकेंट होता है। तो OSPF को एनेबल करने के लिए एक छोटा सा टोपोलॉजी मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ये राउटर, दोनों राउटर के बीच मैंने 12 का नेटवर्क यूज किया है, एक को 12.1 का आईपी मैंने दिया है, दूसरे को मैंने दिया है 12.2 का आईपी, और ये जो नेटवर्क आपका पीसी कनेक्ट है ये 10 का नेटवर्क है, और इस तरफ से मैंने 20 का नेटवर्क कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले इस राउटर वन के ऊपर मैं जाता हूँ और इसमें OSPF एनेबल करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो OSPF एनेबल करने के लिए आपके पास है सेम कमांड राउटर OSPF, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपके क्वेश्चन मार्क में आपको प्रोसेस आईडी की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, और ये प्रोसेस आईडी की वैल्यू आपका 16 बिट का होता है, इसीलिए आपकी जो प्रोसेस आईडी का रेंज है वो 1 to 6535 तक आपका होता है, इसमें से कोई भी वैल्यू आप उठा सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस आईडी 100 ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो इसमें भी ऑप्शन कुछ आता है, लेकिन अभी के लिए आपको भी जरूरत नहीं है और पैकेट ट्रेसर में भी आपको नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप जाओगे तो जो भी आपके जैसे EIGRP के लिए नेटवर्क कमांड वगैरह आप चला रहे थे, तो इसी तरह आपका प्रोसेस के अंदर, तो यही कमांड चलाने से आपके राउटर के ऊपर जो है ना आपका OSPF का प्रोसेस चल गया। लेकिन जब भी आप OSPF का प्रोसेस चलाने के लिए जाते हो ना, तो OSPF का प्रोसेस चालू होने के लिए एक डिवाइस को सबसे पहले एक राउटर आईडी की जरूरत होता है, ठीक है। राउटर आईडी मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये एक राउटर को आइडेंटिफाई करता है, या फिर एक राउटर का नाम। ये अगर आपके पास R1 है तो इसका राउटर आईडी जो होगा, ये राउटर आईडी बेसिकली आपकी पूरे नेटवर्क के अंदर आपकी R1 को पहचान दिलाएगा। जैसे आपका एक रोल नंबर होता है ना क्लास के अंदर, ये रोल नंबर का अगर कोई बंदा आपको वहाँ पर पूछ लेता है कि रोल नंबर 5 का बंदा कौन है, तो अगर आप रोल नंबर 5 से बिलोंग करते हो तो सारे बच्चे जानते हैं रोल नंबर 5 आपका है, आप हो। इसी तरह ये भी एक काम करता है आपका बेसिकली क्या करने के लिए, राउटर की पहचान देने के लिए। ये राउटर आईडी आपका 32 बिट का होता है, और ये आपका डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में होता है, जैसे आपका आईपी होता है ना उसी तरह आपको देखने को मिलता है। ये बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, मैंने आपको एक छोटा सा चीज बताया था कि हर एक डिवाइस आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जब चलाते हैं अपने खुद का क्या करते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। उस डेटाबेस का जो आपका नाम होता है ना, ये आपका राउटर आईडी से बनता है। जो आपका राउटर आईडी होता है वही राउटर आईडी आपका डेटाबेस का नाम भी माना जाता है। ठीक है, तो आप जब भी राउटर OSPF, जैसे मैंने कमांड चलाया राउटर OSPF 100, तो आपके राउटर OSPF का 100 का जो प्रोसेस आपका है ना, आपके डिवाइस में चलाने से पहले आपके डिवाइस क्या करता है, एक राउटर आईडी का इलेक्शन करता है। ठीक है, इस राउटर आईडी के लिए आपके पास एक इलेक्शन होता है। देखो मैं एक छोटा चीज आपको दिखाता हूं, यहां पे मैंने एक डिवाइस लिया था और इस डिवाइस के ऊपर मैंने जब आपको चलाया ना राउटर OSPF, मेरे को कुछ एरर वगैरह नहीं दिखा। तो मैं एक काम करता हूं, एक एरर आपको पहले दिखा देता हूं,
ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे एक अलग सा राउटर ले लिया, इस राउटर के ऊपर मैंने कोई भी आईपी एड्रेस वगैरह असाइन नहीं किया, ठीक है। उस राउटर के ऊपर मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया था 12 का और 10 के नेटवर्क में से, दोनों इंटरफेस में मैंने किया था, इस पर मैंने कुछ भी नहीं किया। एक काम करते हैं, मैं इसमें एक ट्राई करता हूँ वॉइस वेव चलाने के लिए। आप देख लो इसमें ये बता रहा है ओएसपीएफ प्रोसेस वन कैन नॉट स्टार्ट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन अप इंटरफेस, ये बता रहा है। तो इसका मतलब ये लिख रहा है कि कोई इंटरफेस आपका ऑफ होना चाहिए, तो आप बताओगे कि एक इंटरफेस को हम ऑफ कर लेते हैं 0/0 नो शट डाउन, ये कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए ये इंटरफेस आपका ऑफ भी नहीं आएगा, फिर भी आपको स्टेटस ऑफ दिखाएगा, लाइन प्रोटोकॉल नहीं आएगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ इसको चलाने के लिए, राउटर ओएसपीएफ वन, ये चल गया, ठीक है। इसने राउटर आईडी आपका ऑटोमेटिकली वन ले लिया, बाय डिफॉल्ट 0000 आपका ले लिया। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब भी आपके राउटर ना कोई भी आप ओएसपीएफ का प्रोसेस चला लेते हो, तो उस केस में आपके राउटर क्या करते हैं, राउटर आईडी के एक इलेक्शन करने की कोशिश करते हैं, किसके लिए, उस सेम ओएसपीएफ प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस आप चला रहे हो। जैसे 100 के लिए मैंने चलाया, तो 100 के लिए वो क्या करते हैं, एक राउटर आईडी इलेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो राउटर आईडी भी इलेक्शन होने के लिए आपका कुछ क्राइटेरिया होता है, ये बेसिकली आपका क्या होता है, इंटरफेस का आईपी, कोई भी एक इंटरफेस का आपका आईपी होगा, तो जो इलेक्शन में आपका क्या होगा बेस्ट बन जाएगा, वही आईपी आपका क्या होगा, राउटर आईडी बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपका क्राइटेरिया होता है, क्या क्राइटेरिया आपका होता है, सबसे पहले आपका क्राइटेरिया होता है हाईएस्ट लुपबैक आईपी, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपके डिवाइस क्या करते हैं, कुछ लुपबैक इंटरफेस को ढूंढते हैं, कोई लुपबैक इंटरफेस आपके पास एनाबल है क्या, कोई लुपबैक इंटरफेस का आपका जो आपका लाइन प्रोटोकॉल सॉरी स्टेटस है ना वो ऑफ है क्या, वो चेक करते हैं। अगर कोई लुपबैक इंटरफेस इसे मल्टीपल मिल जाता है, तो उसमें से जिस लुपबैक इंटरफेस का आईपी सबसे बड़ा होता है, उसी आईपी को ये क्या करेगा, आपका लुपबैक सॉरी आपके राउटर आईडी जो है वो बना देगा उस ओएसपीएफ के लिए। अगर आपने कोई भी लुपबैक एनाबल नहीं की, कोई भी लुपबैक इंटरफेस आपने क्रिएट नहीं किया, तो ये क्या करता है, हाईएस्ट इंटरफेस आईपी जो आपके पास होता है ना, ठीक है, इस आईपी को ये क्या करता है, यूज कर लेता है एज ए राउटर आईडी। ये दो इलेक्शन आपके पास होते हैं, और इन्हीं दो इलेक्शन में से आपका कुछ भी हो जाता है, अगर ये दो इलेक्शन आपके पास कुछ भी नहीं मिला, कोई इंटरफेस नहीं है, तो सिनेरियो में आपने देख लिया कि 0000 आपका बाय डिफॉल्ट जो राउटर आईडी होता है वो हो जाता है। लेकिन रियल टाइम में आपके डिवाइस के ऊपर ऑलरेडी आईपी होता है, जिसके ऊपर आप ओएसपीएफ चलाने के लिए जाते हो, इसीलिए उनमें से कोई एक आईपी वो उठा लेता है। लुपबैक नहीं हुआ तो आपके पास इंटरफेस तो आपके पास फिजिकली होते हैं, जैसे फास्ट इथरनेट 0/0, 0/1 इस तरह का इंटरफेस तो आपके पास 100% होंगे, तो उसमें से जो बेस्ट आईपी बनेगा वो उसी आईपी को आपका क्या करेगा, उठा लेगा। इसके बाद अगर आप मैनुअली चाहते हो कोई राउटर आईडी रखने के लिए, तो थर्ड ऑप्शन आपके पास है, ये इलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं आता है, लेकिन आप मैनुअली चाहो तो इसे रख सकते हो, ठीक है। एक आपके पास कमांड होता है, अच्छा ये दूसरे वाला राउटर था, ठीक है, तो आपके पास एक कमांड होता है राउटर आईडी करके, इस आईडी को अगर आप ले लोगे, ये कमांड अगर चलाओगे, तो उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, आपको एक आईपी एड्रेस जो है ना सॉरी आपका राउटर आईडी जो है वो आपको डालना है, और ये आपका डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में जैसे आईपी एड्रेस होता है उसी तरह। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैंने एज ए राउटर आईडी दे दिया। तो ये कंपलसरी नहीं कि जो राउटर आईडी आप यूज कर रहे हो ये किसी इंटरफेस पे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी एक राउटर आईडी आपका दे सकते हो, लेकिन आपके पास याद रहे ये मत कभी भी करना कि बहुत सारे राउटर जब आपके पास आपके नेटवर्क में है, एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर बहुत सारे राउटर है, और आप ओएसपीएफ चला रहे हो, तो ऐसा ना हो कि एक राउटर आईडी दो राउटर पे आपने ओएसपीएफ के अंदर आपने राउटर आईडी की तरह यूज कर लिया सेम आईडी को, ऐसा मत करना। सबका राउटर आईडी आपका यूनिक होना चाहिए। जब हम हेलो पैरामीटर के बारे में देखेंगे तब भी आपको ये चीज आपका लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक बार आपका राउटर आईडी एक हो गया इलेक्शन, तो उसके बाद आपके ओएसपीएफ का प्रोसेस जो है वो चल जाता है, 200 आईपी प्रोटोकॉल करके आप ये आउटपुट देख सकते हो, इसने किसको एनाबल किया है, ओएसपीएफ 100 को इसने एनाबल कर दिया। और इसके लिए इसने क्या किया है, आपके जैसे आउटबाउंड और इनकमिंग फिल्टर लिस्ट आपने कुछ नहीं लगाया तो इसलिए वो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। राउटर आईडी कौन सा हुआ है इसके इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। नंबर ऑफ एरिया इन दिस राउटर, एरिया के बारे में हम अभी जानेंगे, जीरो ये अभी बता रहा है, कोई भी एरिया आपने कॉन्फिगर नहीं किया इसलिए ये जीरो बता रहा है, 0 नॉर्मल एरिया, 0 स्टॉप एरिया, 0 एनएसएस एरिया। ये जनरल जो हम एरिया के बारे में अभी ओएसपीएफ में बात करेंगे ये आपका नॉर्मल एरिया होंगे। स्टॉप एरिया और एनएसएस एरिया आपके पास कुछ होते हैं जिनके बारे में हो सकता है अगर आपको चाहिए तो मैं लास्ट क्लास में आपको बता दूंगा। चार एरिया आपके पास वैसे होते हैं अलग सा।
तो उसके बाद मैक्सिमम पाथ ये भी चार सिलेक्ट करेगा बाई डिफॉल्ट, जैसे दूसरे प्रोटोकॉल में आपके पास होते हैं। इसने कोई नेटवर्क के लिए अभी के लिए राउटिंग नहीं किया, इसलिए कोई नहीं, कुछ भी नहीं आपके ब्लैंक दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन। और इसके लिए मैंने आपको वॉइस पीएफ का आपको बताया था एडी वैल्यू आपका क्या होता है बाई डिफॉल्ट 110 होता है। तो यहाँ पे ये एडी वैल्यू का आपका बाई डिफॉल्ट जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो बस इतने में आप क्या कर सकते हो, आप OSPF को जो है ना आप एनेबल कर सकते हो अपने राउटर के ऊपर। अब एक बार हमारा ग्लोबली एक राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा चल गया, तो उसके बाद हमारा काम होता है कि उसके अंदर क्या करना है, एक इंटरफेस को एडवर्टाइज करना है, इंटरफेस की नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। जिस इंटरफेस को हम एडवर्टाइज करेंगे उसमें हमारा नेबर कनेक्ट होगा, तो उसको हम एडवर्टाइज करेंगे नेटवर्क कमांड के साथ, तो भी हमारा नेबर के साथ कनेक्ट होगा, जो भी मैसेज वगैरह आपका भेजा जाएगा। तो इसके लिए उसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क कमांड चला के बाय इंटरफेस हमारा OSPF की प्रोसेस को क्या करना, एनेबल करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरफेस में इसे एनेबल करने के लिए हमें यहां पे नेटवर्क कमांड की जरूरत होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस करने के लिए OSPF में भी हमारे पास नेटवर्क कमांड होता है। ठीक है, और नेटवर्क कमांड के साथ हमें यहाँ पे लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पे आप EIGRP तक आपने देखा था कि वाइल्ड कार्ड मास्क EIGRP के लिए आपका कंपलसरी नहीं था, आप चाहो तो यूज कर सकते थे लेकिन नहीं चाहो तो आप यूज भी नहीं कर सकते, वो आपका क्लास फोल्ड की तरह काम करेगा अगर आप नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे OSPF में आपका वाइल्ड कार्ड मास्क आपका कंपलसरी है, आपको नेटवर्क कमांड के साथ वाइल्ड कार्ड मास्क की जरूरत होता है। ठीक है, तो नेटवर्क कमांड चलाने के लिए आपके पास ये सेम कमांड आपके पास होता है, सेम नेटवर्क, उसके बाद नेटवर्क आईडी आपको चलाना होता है, उसके बाद उस नेटवर्क आईडी के लिए जो आपका वाइल्ड कार्ड मास्क है उसके इंफॉर्मेशन आपको देना होता है, फिर उसके बाद एरिया, और आपको एक एरिया आईडी देना होता है। और बेसिकली हम जानते हैं एक एरिया आईडी आपका क्या होता है। ठीक है, तो OSPF में जब हम OSPF चलाते हैं ना, तो OSPF में क्या होता है, हमें इंटरफेस को किसी एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर एडवर्टाइज करना पड़ता है। ठीक है, एक OSPF एरिया आपका एक पार्टिकुलर डोमेन या फिर एक पार्टिकुलर एरिया को ही डिफाइन करता है, और आपका क्या हो सकता है, एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर OSPF में आपका क्या हो सकते हैं, मल्टीपल एरिया आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई एक लंबा सा एक सीरीज वाला नेटवर्क मैं ले लेता हूँ, तो इस तरह का एक बड़ा नेटवर्क मेरे पास है, ये 1 नंबर राउटर, 2 नंबर राउटर, 3 नंबर राउटर, 4, 5, 6, 7, और ये पूरा नेटवर्क के लिए हमने क्या चला के रखा है, कम्युनिकेशन के लिए OSPF हमने चला के रखा है। तो इस OSPF के अंदर आपके पास मल्टीपल एरिया आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एरिया के बारे में अगर आप बात करो, तो हो सकता है ये एक एरिया का पार्ट हो और ये एक एरिया का पार्ट हो। और हमेशा आपका यही होता है कि दो राउटर आपका नेबरशिप करने के लिए दोनों के जो इंटरफेस जो डायरेक्टली उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है ना या फिर कनेक्टेड है ना, वो सेम एरिया में होना चाहिए। ठीक है, कैसा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक राउटर वन आपके पास है, एक राउटर टू आपके पास है, तो आपको दिमाग में यही रखना चाहिए कि OSPF का प्रोसेस आप कुछ भी चला लो, यहाँ पे 2 चला लो, यहाँ पे OSPF 5 आप चला लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इंटरफेस और ये इंटरफेस आपका सेम एरिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप एरिया 1 यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको एरिया 1 यूज करना पड़ेगा। अगर सेम एरिया नहीं होगा तो आपका OSPF का नेबरशिप नहीं आएगा। ठीक है, तो एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एरिया भी आपका क्या होता है, एक आपका एरिया आईडी होता है, वो एरिया आईडी भी आपका 32 बिट का होता है। ठीक है, ए पार्टिकुलर एरिया आपका एक एरिया आईडी होता है, मतलब एक एरिया आईडी के साथ आपका पार्टिकुलर एरिया जो है वो पहचान जाता है। ये आपका 32 बिट का होता है, और ये 32 बिट, और इसको आप क्या कर सकते हो, डॉटेड डेसिमल एज ए आईपी और ओनली डेसिमल फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। डेसिमल मतलब 1, 2, 3, 4, इस तरह का भी एरिया आईडी आप डिफाइन कर सकते हो, और आप चाहो तो आईपी की तरह भी 1.1.1.1 इस तरह का भी आप एरिया आईडी जो है डिफाइन कर सकते हो। और एरिया आपका बेसिकली दो तरह का आपके पास एरिया होता है, तो एक आपका होता है बैकबोन एरिया, ये स्पेसिफिकली आपका एरिया जीरो जो होता है ना, एक जीरो नंबर एरिया आपके पास होता है, उस जीरो नंबर एरिया नंबर आपका 32 बिट का है, मतलब आपका जीरो से ये चालू होगा, और जीरो नंबर एरिया आपका ऑलरेडी फिक्स है या फिर ऑलरेडी आपका प्री डिफाइन किया गया किसके लिए, एज ए बैकबोन एरिया। इसका बहुत सारे काम आगे आपको पता चलेगा। तो बैकबोन एरिया आपका एरिया जीरो को बोला जाता है, उसके बाद आपका होता है नॉर्मल एरिया।
नॉर्मल एरिया बेसिकली आपका क्या होता है, एरिया आपका वन से लेके और जो भी आपका एरिया है, जितने भी आपके पास नंबर वाला एरिया है, जितने भी जीरो को छोड़ के बाकी जितने आपके पास एरिया होते हैं वो सारे एरिया आपका क्या बोला जाता है, आपको नॉर्मल एरिया बोला जाता है, ठीक है। और बेसिकली आप जब बात करते हो ना, क्या होता है आपका OSPF में, जैसे EIGRP में मैंने आपको बताया था एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम, ऐसे EIGRP को थोड़ा हम याद अगर कर लेते हैं यहाँ पे, तो अगर इस तरफ आपने EIGRP 100 चला के रखा है, इस तरफ आपने EIGRP 200 चला के रखा है, तो ये नेटवर्क कभी भी आपका इसके तरफ इंजेक्ट नहीं होते हैं ऑटोमेटिकली, आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होता है। लेकिन OSPF की अगर हम बात करते हैं ना, OSPF में अगर ये आपके पास एक राउटर है, इस तरफ आपने एरिया चला के रखा है वन और एरिया आपने अगर चला के रखा है टू, तो इस केस में भी आपका इस तरफ का जो भी आपके पास राउट है, इस तरफ के राउट के पास आपका ऑटोमेटिकली इंजेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये आपका एरिया जीरो है और ये आपका कोई भी एरिया है, तो उस केस में यहाँ से राउट यहाँ तक आपका ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये कहने का मेरा मतलब यही है कि एक लाइन में अगर आपको मैं बताऊं, नॉर्मल एरिया के एक नॉर्मल एरिया से बैकबोन एरिया ऑटोमेटिकली राउट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक एरिया जीरो में है और एक एरिया आपका कोई भी नॉर्मल एरिया में है, तो उस केस में आपके राउट्स ऑटोमेटिकली बैकबोन एरिया से नॉन बैकबोन एरिया या फिर नॉर्मल एरिया के अंदर आपके राउट्स ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल एरिया से एक नॉर्मल एरिया में आपके राउट कभी भी एक्सचेंज नहीं होते हैं, वो राउट एक्सचेंज करने के लिए आपको एक बैकबोन एरिया की जरूरत होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये आपके पास R1 है, इसको आपने रखा एरिया, आपके ये एरिया था 2 और ये आपका था एरिया 5 के अंदर, तो एरिया 2 से एरिया 5 आपका कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, मतलब आपका जो रूट्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज नहीं होंगे। हमें क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ पे एक एरिया 0 का कोई भी इंटरफेस है ना, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, 2 की भी रूट्स आपके 5 में आ जाएंगे, इसकी भी इसमें आपका एक्सचेंज जो है ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। तो आपको कभी एक नॉर्मल एरिया से और एक नॉर्मल एरिया में राउट्स एक्सचेंज करने के लिए आपके उस डिवाइस के ऊपर एक बैकबोन एरिया का कोई भी इंटरफेस आपके पास होना चाहिए। तो उस केस में बैकबोन एरिया आपको क्या करता है, नॉर्मल एरिया से और एक नॉर्मल एरिया में आपके रूट्स को एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बस रेस्ट्रिक्शन यही है, अगर आपके राउटर के ऊपर सिर्फ नॉर्मल एरिया है, मल्टीपल नॉर्मल एरिया है, तो बाय डिफॉल्ट आपके मल्टीपल नॉर्मल एरिया की इंफॉर्मेशन आपके एक्सचेंज नहीं होंगे। अगर उसी राउटर के ऊपर कोई आपके पास एक है आपका एरिया जीरो या फिर बैकबोन एरिया का कोई भी इंटरफेस है, वो राउटर अगर पार्टिसिपेट कर रहा है बैकबोन एरिया के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जितने भी एरिया उसके पास है वो ऑटोमेटिकली राउट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस एरिया के हिसाब से भी हमारे पास कुछ टाइप ऑफ राउटर्स होते हैं, एरिया में मैंने कुछ छूटा तो नहीं ना, ठीक है हाँ। और एरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ, तो पहले हम क्या करते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग हम पहले एक नेबरशिप बना लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो इस राउटर के ऊपर मैं फास्ट इथरनेट 0x0 और इस राउटर के फास्ट इथरनेट 0x0 को OSPF में एडवर्टाइज कराऊंगा, ताकि दोनों के बीच आपका क्या बन जाए, नेबरशिप बन जाए। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क कमांड चलाना पड़ेगा और मैं 12 का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उस नेटवर्क का मैं नेटवर्क आईडी दे दिया। उसके बाद आप देखोगे तो आपको वाइल्ड कार्ड मास्क मांगेगा, यहाँ पे कैरेज रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ से आप स्टॉप नहीं कर सकते, आपको वाइल्ड कार्ड मास्क देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो उसके लिए ये क्लास ए का नेटवर्क है, तो इसके लिए जो वाइल्ड कार्ड मास्क आपका होगा ये होगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क दिखाओगे तो लगाओगे तो आपके पास एरिया का ऑप्शन आएगा, और ये एरिया नंबर देखो आपको दो ऑप्शन में आपको मांग रहा है इन्फॉर्मेशन, दो ऑप्शन आपके पास, एक डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में जो कि 32 बिट का 4.2 क्रोर या ऐसा कुछ उसका वैल्यू है, और एक आपके पास है डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है, जो आईपी एड्रेस की तरह होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो आपके पास डेसिमल फॉर्मेट है उसी को हम यूज करेंगे, या फिर कोई भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एरिया क्या ले लेता हूँ, 0 बैकबोन एरिया को मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख लेना कि ये इंटरफेस, ये नेटवर्क आपका अभी के लिए क्या OSPF के अंदर एडवर्टाइज हो गया है। हाँ, और एक चीज यहाँ पे है, जैसे EIGRP में हम क्या करते थे, अगर हम कोई क्लासलेस नेटवर्क यूज करते थे ना, तो उस केस में हम क्या करते थे, नो ऑटो समरी कमांड चलाते थे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट EIGRP क्लासफुल की तरह काम करता था। लेकिन यहाँ पे OSPF आपका एक प्योर क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसीलिए OSPF में आपका नो ऑटो समरी या ऑटो समरी ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमेशा जैसा आपका नेटवर्क है उसी तरह ये एडवर्टाइज करता है, पूरे क्लासलेस की तरह। आपका अगर सबनेटेड नेटवर्क है तो सबनेटेड की तरह ही ये क्या करता है, आपका एडवर्टाइज करता है। अगर आप उसे समराइज करना चाहते हो
तो देर इज नो ऑटोमेटिक समराइज ऑप्शन, आपको समरी कमांड चलाना पड़ेगा। जैसे EIGRP में इंटरफेस में जाके आप IP समरी चला देते, वैसे ही आपको OSPF में आपके कुछ समराइज के लिए आपके पास ऑप्शन है, वो कमांड आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी मैं चला लेता हूं। तो यहां पे राउटर का प्रोसेस आईडी जो है ना, हम कुछ अलग सा देते हैं, वहां पे हमने 100 दिया था, यहां पे 200 दे देंगे, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं। और सेम इंटरफेस काम करेंगे एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एरिया आपका सेम होना चाहिए। अगर यहां पे मैं एरिया वहां पे 0 लगाया, अगर 5 ले लेता हूं ना, तो आपका नेबरशिप अप नहीं आएगा इस केस में। ठीक है, OSPF तो उस इंटरफेस पे एनेबल हो जाएगा, लेकिन ये आके जो हेलो मैसेज भेजेगा ना, उस हेलो मैसेज में एरिया मिसमैच हो जाएगा, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, आपको मतलब कोई भी आपका नेबरशिप नहीं बनेगा। तो आप यहां पे देख लो ये क्या बता रहा है, OSPF एरर रिसीव। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि रिसीव्ड इनवैलिड पैकेट मिसमैच एरिया आईडी, एरिया मिसमैच का ये मैसेज बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका नेबरशिप नहीं बनेगा, तो इसको हम नो कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, एरिया आईडी जो आपका है ना, वो 0 से हम यूज कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद आपका नेबरशिप जो है वो आपका अप आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेता है, क्यों लेता है हम जानेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, तो इसने अभी के लिए क्या किया, आपका फुल स्टेट में ले आया। स्टेट के बारे में भी हम जब देखेंगे, तो ये फुल स्टेट लोडिंग से फुल जो इसमें आ गया ना, तो ये लोडिंग स्टेट क्या था, फुल स्टेट क्या था, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। और यहाँ पे देखो, इसने ये बताया कि आपके नेबर को जो है ना, ये कैसे पहचान रहा है, ये उसके राउटर आईडी से। देखो, उसके पास 1.1.1.1 के लिए कोई भी आईपी नहीं है, लेकिन हमने राउटर आईडी जो 1.1.1.1 सेट किया था ना, उसी राउटर आईडी के हिसाब से ये क्या कर रहा है, अपना पहचान जो है समझ रहा है कि ये मेरा नेबर है। ठीक है, अभी के लिए हम एक बात करते हैं कि हम चाहे तो किसी राउटर का राउटर आईडी बदल सकते हैं क्या एक बार OSPF चलाने के बाद? हाँ, बदल सकते हैं। तो इसमें हम बाद में, इसलिए मैं चला रहा हूँ, इसका राउटर आईडी हम क्या करते हैं, 2.2.2.2 दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपको एक मैसेज बता रहा है, रीलोड और यूज क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस कमांड फॉर दिस टू टेक इफेक्ट। तो इसमें एक्चुअली आपका क्या हुआ, जब हमने OSPF का प्रोसेस चला दी ना, तो आपके बाय डिफॉल्ट आपका जो होता है ना इलेक्शन क्राइटेरिया कुछ होता है, वो इलेक्शन क्राइटेरिया इसने सिलेक्ट क्राइटेरिया के हिसाब से इसने क्या किया, एक हाईएस्ट इंटरफेस आईपी या फिर कुछ भी होगा वो उसने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसमें लूपबैक आपके पास कोई बना नहीं, तो फिजिकल आईपी 12.0.0.2 उसने, इसने ये वाला सिलेक्ट कर लिया होगा ऑटोमेटिकली। तो बाद में इसने एक नेबरशिप भी बना दी, आपने नेटवर्क कमांड चलाया, इसने नेबरशिप भी बना दी। फिर उसके बाद आपका एक प्योर जो OSPF का प्रोसेस है ना, एडजेंसेंसी एक बार आपका बन गया किसी के साथ, तो उसके बाद प्योर आपका OSPF का प्रोसेस चल जाता है, और आपका जो डेटाबेस एक्सचेंज वगैरह जो भी होते हैं वो काम आपका चालू होता है। उसके बाद अगर आप राउटर आईडी चेंज करते हो, तो इसीलिए ये बताता है कि एक बार आप OSPF की प्रोसेस को रिफ्रेश कर लो या फिर क्लियर कर लो, जो पुराना प्रोसेस आपके पास चल रहा है उसे क्लियर करके फिर से नया वाला एक रिफ्रेश कर लो। क्यों? क्योंकि दूसरे राउटर के पास जब हमने, इसने राउटर वन के पास कोई इन्फॉर्मेशन भेजा होगा ना, इस राउटर के पास, तो इसके पास पहले से जो 12.1 वाला आईपी है ना, उसके साथ इन्फॉर्मेशन आया होगा। अच्छा, 20.1 हाईएस्ट आईपी था, तो इसलिए इसने, इसके पास नेबर का इन्फॉर्मेशन है कि मेरा नेबर का आईपी है 20.1, तो इसलिए ये बता रहा है कि ये भी तो इन्फॉर्मेशन को चेंज करे। तो चेंज करने के लिए आपका क्या होगा, इसको फिर से जो है आपका नेबरशिप का नेगोशिएशन वगैरह होता है ना, वो फिर से करना पड़ेगा, ताकि इसको पता चले कि मेरा नेबर का जो राउटर आईडी चेंज हुआ है। इसीलिए दूसरे वाले राउटर के राउटर पे आपका ये क्या बता रहा है कि आप एक काम करो, क्लियर आईपी OSPF वाला कमांड चला लो, और कमांड चला के क्या करो कि एक बार OSPF प्रोसेस को आप क्लियर कर लो। ठीक है, ये बता रहा है रिसेट ऑल OSPF प्रोसेस, यस। तो ये सारे नेबरशिप वगैरह जो आपका था ना, वो फिर से आपका रिफ्रेश कर लेगा। अभी के लिए अगर आप फास्ट राउटर पे जाके देखोगे, तो आप देखना ये आईपी जो है आपका चेंज हो गया होगा, इसके पास जो आईपी नया बना था ना। ठीक है, एक सेकेंड, आप यहां पे देख लो, इसने नेबर का जो इन्फॉर्मेशन है, अच्छा ये मैसेज तभी नहीं आया था, थोड़ा टाइम ले रहा था, इसलिए इसने नेबर का आईपी जो है आपका 2.2.2.2 इसने कर दिया, चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से आप इंटरफेस पे भी कोई भी नेटवर्क को आप क्या कर सकते हो, OSPF में आप एडवर्टाइज कर सकते हो। अभी के लिए हम थोड़ा देखते हैं टाइप ऑफ राउटर इन OSPF। आपके पास सबसे पहले, इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो नॉर्मल राउटर आपके पास होता है उसे एरिया राउटर बोला जाता है।
ठीक है। एरिया राउटर मतलब आपका जो राउटर किसी एरिया से बिलोंग करता है, हो सकता है एरिया जीरो का राउटर हो या फिर जो सिंगल एरिया से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे ये राउटर अगर आपका है, इस तरफ भी इसने एरिया जीरो पे लगाया, इस तरफ भी इसने एरिया जीरो पे लगाया, तो ये एरिया राउटर आपका बैकबोन राउटर या फिर बैकबोन एरिया राउटर आप इसे बोलोगे। या फिर इसने अगर वन नंबर एरिया पे यहाँ पे रखा है और ये अगर टू नंबर एरिया पे रखा है, तो इसके लिए भी, ये एरिया के लिए ये राउटर आपका बनेगा एरिया राउटर, ये एरिया के लिए भी ये राउटर आपका एरिया राउटर बनेगा। एरिया राउटर मीन्स किसी एक एरिया के साथ ये पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद आपके पास आता है दूसरी में एरिया बॉर्डर राउटर, ABR, या फिर एरिया बॉर्डर राउटर। तो बेसिकली एरिया बॉर्डर राउटर मतलब इसमें क्या होता है, ठीक है, तो एरिया बॉर्डर राउटर या फिर ABR बनने के लिए क्या कंडीशन है, जो राउटर आपका एरिया बॉर्डर राउटर बनेगा वो कम से कम उसका एक इंटरफेस आपका एरिया जीरो का पार्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ इसके पास कोई दूसरे एरिया का इंटरफेस होना चाहिए, हो सकता है मल्टीपल दूसरे एरिया का भी पार्टिसिपेट यह कर सकता है। ठीक है, लेकिन कई एक भी इंटरफेस आपका कम से कम एरिया जीरो का पार्ट होना चाहिए और यह कुछ दूसरे एरिया से भी कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये राउटर को आप क्या बोलोगे, एरिया बॉर्डर राउटर। और इसकी बेसिकली काम क्या होता है, एक एरिया के इंफॉर्मेशन को अगर दूसरे एरिया में इंजेक्ट कराना। ठीक है, इसका बेसिकली काम होता है यही। उसके बाद आपके पास आता है एक तीसरी नंबर राउटर जिसे आप बोलते हो ASBR। ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ठीक है, तो ये राउटर बेसिकली आपका क्या होता है, जिस राउटर की एक इंटरफेस OSPF की एक प्रोसेस में है और दूसरी इंटरफेस किस में है, किसी और प्रोटोकॉल के साथ चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये इंटरफेस पे इसने EIGRP चला के रखा है और ये वाले इंटरफेस पे इसने OSPF आपका एरिया हो सकता है जीरो या फिर कोई कुछ भी उसने चला के रखा है। एक इंटरफेस मिनिमम OSPF में एनेबल होना चाहिए और दूसरी इंटरफेस आपका दूसरी प्रोटोकॉल के साथ एनेबल है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये आपका OSPF प्रोसेस वन पे एनेबल है या आपका कोई दूसरा OSPF प्रोसेस में एनेबल है, प्रोसेस टू में एनेबल है। एरिया के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक राउटर के ऊपर आप मल्टीपल OSPF प्रोसेस चला लेते हो तो उस केस में आपका ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है, आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक राउटर के ऊपर मल्टीपल OSPF का प्रोसेस चलाते हो और किसी इंटरफेस को मल्टीपल OSPF प्रोसेस का मेंबर बनाते हो, तो उस केस में उस राउटर के ऊपर आपका ऑटोनोमस सिस्टम जो होता है वो आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है, लेकिन मल्टीपल एरिया चलाने से अगर आपके पास आपके पास बैकबोन एरिया का कोई भी पार्ट आपका डिवाइस बनाए, तो उस केस में आपका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। और मल्टीपल OSPF का प्रोसेस है मतलब ये आपका एरिया जीरो में है तो ये आपका एरिया वन में है, फिर भी आपका कोई भी कम्युनिकेशन आपका नहीं होता है, मतलब एक्सचेंज आपका राउट्स का नहीं होता है, क्योंकि एक राउटर के ऊपर आपने ऑटोनोमस सिस्टम को आपने ब्रेक कर दिया बीच से। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होता है, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, और रिडिस्ट्रीब्यूशन यूज करके फिर आपको म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ताकि ये दोनों क्या करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए। इस केस में भी एक प्रोटोकॉल से OSPF के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये आपका बेसिकली क्या है, आपके कुछ टाइप ऑफ राउटर्स है, तो और भी आपके जो एरिया जीरो में राउटर होते हैं उसे बैकबोन राउटर भी कोई कोई बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, नॉर्मल एरिया राउटर भी आप उसे बोल सकते हो। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो OSPF में कुछ आपके पास मैसेजेस होते हैं, तो इसको पहले एक बार हम क्या करते हैं, कुछ वेरीफाई, इसका वेरीफिकेशन कमांड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
ठीक है, 100 था ना। तो एक और एक नेटवर्क हमारे पास था, तो वो नेटवर्क आपका 10 का था, उसको भी मैं एडवर्टाइज कर देता हूँ वो एसपीएफ के अंदर। तो दूसरी तरफ आपका 20 पड़ा था, ये 200 आपका चला था 20। हाँ, और एक चीज, आपका जो राउटर आईडी होता है ना, वो ऐसा कुछ नहीं कि आप जो इंटरफेस को ओएसपीएफ में एनाबल कर रहे हो उसी से इंफॉर्मेशन ये उठा के, आईपी उठा के आपका राउटर आईडी बना देता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस डिवाइस के ऊपर जितने भी इंटरफेस होता है ना, उसके ऊपर वो काम करता है। आप चाहे उस इंटरफेस पे ओएसपीएफ एनाबल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक बार कम्युनिकेशन है कि नहीं हम एक बार चेक कर लेते हैं, अगर नहीं है तो कुछ ट्रबल शूटिंग भी हम करेंगे। तो पिंग 10.0.0.10, पहले पैकेट आपका ड्रॉप आएगा आरपी रिजोल्यूशन की वजह से। ठीक है, ये कम्युनिकेशन आपका हो रहा है। और ये पहला पैकेट आपका क्यों ड्रॉप आता है, कभी कभी आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, बहुत सारा इंटरव्यू में आपको पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कम्युनिकेशन हो गया थोड़ा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ वेरिफिकेशन हम चलाते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए ओएसपीएफ में अगर आप वेरीफाई करने के लिए जाते हो, तो अभी के लिए मैं अगर आपको बताता हूँ, तो 100 IP प्रोटोकॉल पहले आप चलाओगे कि ओएसपीएफ आपके पास एनेबल है कि नहीं चेक करने के लिए। तो इसमें आपको पूरे जितने भी प्रोटोकॉल आपके चलते हैं वो बता देता है, यहाँ पे ओएसपीएफ भी आपको बता देता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ओएसपीएफ चल रहा है तो उसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, आपको बता रहा है। दूसरी बार आपके पास होता है ओएसपीएफ का नेबर चेक करने के लिए, पहले होता है आपका ओएसपीएफ इंटरफेस, कौन से इंटरफेस पे मेरा ओएसपीएफ चल रहा है। 100 IP ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, आपके पास एक कमांड होता है। अच्छा, ये ब्रीफ वाला नहीं ले रहा है क्या? ठीक है, ये ब्रीफ वाला कमांड नहीं ले रहा है, लेकिन बहुत सारे डिवाइस पे आपको 100 IP ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ आपको चलाना पड़ेगा। ये आपको क्या है ना, पूरे डिटेल आपको बता रहा है। ठीक है, लेकिन ब्रीफ वाला कमांड में आपको पूरे डिटेल नहीं, शॉर्टकट में आपको बता देगा। तो इसमें भी आपको बता रहा है कि आपका फास्ट इथरनेट 0/0 आपका ऑफ है, और लाइन प्रोटोकॉल इसका भी ऑफ है। ये आपका ओएसपीएफ के अंदर एडवर्टाइज हुआ है, फास्ट इथरनेट 0/1 भी आपका ओएसपीएफ के अंदर एडवर्टाइज हुआ है। उसके बाद ये कुछ आपका कौन से प्रोसेस में ये ओएसपीएफ का है, तो ओएसपीएफ का प्रोसेस आईडी आपको बता रहा है, राउटर जो ओएसपीएफ प्रोसेस आपका चल रहा है उसका राउटर आईडी क्या है इसके बारे में ये बता रहा है, और नेटवर्क टाइप आपका ये ब्रॉडकास्ट बता रहा है। नेटवर्क टाइप आपका ओएसपीएफ में और एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, आपके पास जो इंटरफेसेस होते हैं ना, जैसे टाइप ऑफ इंटरफेस आपके पास होता है, आपके पास सीरियल इंटरफेस होता है, लूपबैक इंटरफेस होता है, आपके पास इथरनेट या फास्ट इथरनेट का इंटरफेस होता है, तो उसको ओएसपीएफ नेटवर्क जो है ना, वो कुछ उसने कुछ अलग सा टाइप डिफाइन करके रखा है। जैसे अगर आपके पास सीरियल इंटरफेस है, तो सीरियल इंटरफेस को ओएसपीएफ कैसे देखता है आपका, पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस या फिर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। इस अगर आपके पास कोई सीरियल इंटरफेस है जिसमें आप जो नेटवर्क यूज करते हैं उसी नेटवर्क को ये क्या बोलता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। अगर आपके पास कोई इथरनेट का है, इथरनेट, फास्ट इथरनेट, जिगाबिट इथरनेट, तो इथरनेट के केस में इसे ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बोलता है। ठीक है, अगर आपके पास लूपबैक है और आपने ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करके रखा है, तो लूपबैक को ये क्या समझता है, लूपबैक नेटवर्क। और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है लूपबैक के बारे में, अगर आपके पास लूपबैक है तो हमेशा ओएसपीएफ क्या समझता है, /32 CIDR फॉर लूपबैक नेटवर्क। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये अगर आपके पास राउटर वन था, आपने एक लूपबैक बनाया 1.1.1.1/8 अगर आपने CIDR वैल्यू डिफाइन किया, अगर आप इसे EIGR सॉरी OSPF में एडवर्टाइज करते हो ना, वाइल्ड कार्ड मास्क /8 के लिए भी आप यूज कर लो, लेकिन फिर भी OSPF अपने जो OSPF नेटवर्क इन्फॉर्मेशन होता है उसमें इसे इस तरह का देखेगा, /32। जब भी अपने नेबर के पास भेजेगा ना, इसके पास आप राउटिंग टेबल में देखना, ये वन का नेटवर्क आपके पास जो है ना, ये /32 में आपके पास आता है। ठीक है, एक बार इसके हम प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। अब देख लो मैं क्या करता हूँ, राउटर टू के पास मैं जाता हूँ, इंटरफेस लूपबैक वन कर लेता हूँ, और आईपी एड्रेस मैं क्या करता हूँ, 8.8.8.255.0.0.0। और हाँ,
OSPF जब आप एनेबल करने के लिए जाते हो, आप नेटवर्क कमांड के साथ भी कर सकते हो। अगर आप नेटवर्क कमांड के साथ नहीं करना चाहते हो तो फिर भी आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस के अंदर आप चला सकते हो आईपी OSPF, फिर आपका एरिया कौन सा आप दे सकते हो OSPF, उसके बाद आपका प्रोसेस आईडी OSPF। यहाँ पे हमने प्रोसेस आईडी 200 चलाया, एरिया, फिर कौन से एरिया में आप एडवर्टाइज करना, आप जीरो में करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जीरो भी लगा सकते हो। तो ये कमांड के साथ भी आप तुरंत क्या कर सकते हो, इंटरफेस के अंदर आप किसी भी इंटरफेस को आप OSPF में एडवर्टाइज कर सकते हो। ये थोड़ा इजी आपके लिए होता है, क्यों, क्योंकि आप अगर कोई OSPF प्रोसेस के अंदर अगर आप जाते हो ना, नेटवर्क कमांड आपको चलाने की जरूरत होता है, तो नेटवर्क कमांड के बदले आप इसे चला सकते हो। नेटवर्क कमांड में सबसे पहले आपको क्या होता है, इस इंटरफेस पे आपने कौन सा नेटवर्क चलाया उसका नेटवर्क आईडी निकालो, फिर इसका सबनेट मास्क क्या है उसके अकॉर्डिंग आप वाइल्ड कार्ड मास्क कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद एक लंबा सा नेटवर्क कमांड चलाने के बाद ये क्या होता है, इंटरफेस आपका OSPF में एडवर्टाइज होता है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी जरूरत नहीं, आप बस इस इंटरफेस के अंदर आ जाओ और आप बता दो कि आईपी OSPF आप कौन सा OSPF का प्रोसेस है और कौन सा एरिया के अंदर आप डालना चाहते हो, ये इंटरफेस आपका ऑटोमेटिक OSPF में एडवर्टाइज हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं आके देखता हूँ 100 आईपी राउट करके OSPF का कौन सा वाला राउट सिर्फ आपको OSPF में रिसीव हुआ उसे फिल्टर करने के लिए 100 आईपी राउट OSPF आप चला सकते हो। अब देखना ये 8 का नेटवर्क जो है ना, ये फुल वाले पे आप देख लो 100 आईपी राउट 8.8.8.8, इसमें आपको दिखाएगा। आप देखो ये जो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन इसके पास /32 में आया है, हालांकि वहाँ पे आपने एडवर्टाइज किया था /8 के साथ, लेकिन यहाँ पे ये /32 के साथ आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो आपके OSPF में क्या है, ये इसलिए हो रहा है कि लूपबैक के लिए ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या करता है, लूपबैक नेटवर्क टाइप सेट कर लेता है, और लूपबैक नेटवर्क टाइप के लिए फिर इसने /32 का जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी इसने फिक्स करके रखा है। तो हम एक बार फिर से वापस आ जाते हैं 100 IP OSPF इंटरफेस। ठीक है, तो इस इंटरफेस पे ये आपका दिखा रहा है कि नेटवर्क टाइप आपका ब्रॉडकास्ट है, और OSPF में मैंने आपको बताया था कि आपका जो कॉस्ट होता है, मैट्रिक होता है, वो आपका कॉस्ट होता है। मैट्रिक कैलकुलेशन भी हम जब देखेंगे तो कॉस्ट का वैल्यू आपका कैसे काउंट हो रहा है वो भी हम देखेंगे। और ये बता रहा है ट्रांसमिट डिले, आपका 1 सेकेंड का डिले ये बता रहा है, स्टेट आपका BDR बता रहा है, आपका DR BDR का कुछ इलेक्शन वगैरह होता है उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस इंटरफेस के लिए आपका प्रायोरिटी वो इसको आप अभी के लिए स्किप करो, DR BDR इलेक्शन के लिए ये पूरे इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। और ये डेजिग्नेटेड राउटर आईडी आपको बता रहा है, ये भी उसी के लिए है कि आपका DR का इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है, उसके बाद वो DR आपका कौन सा इंटरफेस, उसका IP क्या है जो मेरे साथ नेबरशिप बना रहा है इन्फॉर्मेशन भेज के, उसके बारे में ये बता रहा है। DR BDR के टाइम हम इसे देख लेंगे। तो ये BDR फिर अपना ही इन्फॉर्मेशन ये बताएगा क्योंकि इसने ही BDR बना है इसलिए। तो टाइमर इंटरवल के बारे में ये आपको बता रहा है। तो OSPF में हम क्या करते हैं, कुछ टाइमर के बारे में देख लेते हैं। तो टाइमर्स आपका OSPF में एक हेलो टाइमर होता है जो कि आपका 10 सेकेंड का होता है, आपके पास एक डेड टाइमर होता है 40 सेकेंड का, और आपके पास एक होता है वेट टाइमर, ये भी आपका 40 सेकेंड का होता है। ठीक है, यही तीन टाइमर का इन्फॉर्मेशन इसने आपको यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, ये आपका हेलो हो गया, ये वेट हो गया, और रिट्रांसमिट टाइम आउट ये आपका थोड़ा मतलब अंदरूनी वाला चीज होता है, तो इसको भी हम बाद में हो सके तो देखेंगे। ठीक है, तो ये जो टाइमर आपके पास होता है, हेलो टाइमर मतलब क्या है, आपका एक राउटर और दूसरे राउटर के बीच अगर आपका नेबरशिप बना है तो नेबरशिप, मेरा नेबर जिंदा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हो, हेलो मैसेज जो है एक्सचेंज किया जाता है, और 10 सेकेंड के बाद आपका ये हेलो मैसेज एक्सचेंज किया जाता है। और उसके बाद ये नेबर क्या करते हैं, ये एग्जैक्टली 40 सेकेंड के लिए वेट करते हैं, अगर कोई 40 सेकेंड के अंदर हेलो मैसेज नहीं आया तो ये क्या करते हैं, अपने नेबर को डेड मान लेते हैं। ये ERP में हमने देखा था कि ये जो नेबर है ना, ये नेबर क्या करता था, जब अपना मैसेज भेजता था हेलो मैसेज तो उसमें से पैरामीटर चेक करके ये अपना होल्ड डाउन टाइमर सेट करते थे, लेकिन OSPF में ऐसा नहीं, OSPF में आपके दोनों तरफ का जो टाइमर है ना, हेलो टाइमर एंड डेड टाइमर, ये आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपका नेबरशिप नहीं होता है। तो इसीलिए आपका क्या है, जो टाइमर आपने कॉन्फिगर किया है इसी के ऊपर वही टाइमर आपका नेबर के लिए भी होल्ड डाउन टाइमर की तरह आपका यूज किया जाता है। वेट टाइमर आपका DR BDR इलेक्शन के लिए आपका यूज किया जाता है, जब इलेक्शन के टाइम आएगा तो हम क्या करेंगे, वेट टाइमर के बारे में थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे। तो उसके बाद अगर आप देखते हो तो ये आपका बता रहा है एक्चुअली हेलो और कितने टाइम के बाद मतलब भेजा जाएगा आगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये बता रहा है। तो ये कुछ इंडेक्स और क्यू के बारे में, इसके बारे में आप छोड़ो। तो नेबर काउंट ये बता रहा है, ये इंटरफेस पे आपका एक ही नेबर बना है तो एक ही नेबर ये बता रहा है, और एडजेसेंट भी आपका एक ही बना है।
तो ये किसके साथ एडजस्टमेंट इसने बनाया है उसके बारे में ये बता रहा है, और वो डीआर है, इलेक्शन में आपका डीआर जीता है इसलिए वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है, और ये बता रहा है हेलो का कोई सप्रेशन हुआ है क्या, तो ये बता रहा है नहीं, जीरो नेबर के लिए किसी के लिए भी हेलो सप्रेस नहीं किया गया। आपके एक्चुअल एक सिनारियो आता है, अगर आपके पास आगे स्विच कनेक्ट है उसमें अगर मल्टीपल राउटर्स आपके कनेक्ट है, और एक राउटर अगर आपका क्या है कुछ आपने स्टैटिक नेबरशिप वगैरह आपने बना के रखा, यह केस आपके पास होता है ना कि अगर एक राउटर आपका डाउन चला गया तो उस केस में उसको हेलो भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उसके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो उस केस में आपके डिवाइस क्या करता है उसके लिए हेलो सप्रेस कर लेता है, ठीक है। तो फिर सेकंड इंटरफेस के लिए ये सेम इन्फॉर्मेशन आपके फास्ट इथरनेट के लिए आपको ये बता रहा है, इसमें कोई नेबर आपका नहीं है इसलिए ये बता रहा है आपका ये नेटवर्क ये है और आपने एरिया ये बना के रखा है, और ये भी इथरनेट का लिंक है इसलिए आपको बता रहा है क्या ब्रॉडकास्ट है, इसके लिए कॉस्ट आपका कैलकुलेट वन किया गया है, और ये आपका स्टेट डीआर बता रहा है क्योंकि आपके आगे कोई राउटर कनेक्ट नहीं है और इसने ही इलेक्शन जीत गया है डीआर का इसलिए ये बता रहा है। तो ये बेसिकली आपका डीआर बीडीआर इलेक्शन के लिए है, तो टाइम इंटरवल भी आपका सेम है, ये वही बता रहा है, तो सेम इन्फॉर्मेशन आपको ये बता रहा है कि हेलो मैसेज आपका जो है 10 सेकेंड के बाद 9 सेकेंड के बाद आपका आगे जो है भेजा जाएगा। जिस इंटरफेस पे आपका क्या है आपका मतलब कोई राउटर कनेक्ट है नेबर है तो वहाँ से भी आपका हेलो एक्सचेंज किया जाता है, जहाँ से आपका कोई नेबर नहीं है फिर भी वहाँ से हो सकता है आपका कोई नेबर कनेक्ट हो जाए इसलिए कंटिन्यूसली वहाँ से भी आपका हेलो मैसेज जो है एक्सचेंज किया जाता है। और ये हेलो मैसेज आपका मैंने बताया था दो ब्रॉडकास्ट दो मल्टीकास्ट ने आईडी को ये यूज करते हैं या फिर मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस ये यूज करते हैं, तो उसमें से 224.0.0.5 पे ये हेलो मैसेज आपका क्या किया जाता है आपका एक्सचेंज किया जाता है। तो ये एक आपके पास हो गया इंटरफेस को वेरीफाई करने के लिए, लेकिन इससे ईजी आपके पास एक होता है 100 IP इंटरफेस 100 IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ करके, तो उसमें लिस्ट में आपको बस इंटरफेस दिखा देता है कौन से एरिया के साथ एडवर्टाइज हुआ है, उसके बाद आपको चलाना पड़ता है नेबर को आप अगर करना चाहते हो वेरीफाई तो उस केस में आपका 100 IP OSPF नेबर आपको चलाना पड़ता है। तो इसमें क्या है आपके क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है थोड़ा देख लेते हैं। ये आपको नेबर आईडी बताता है, बेसिकली ये आपका नेबर का राउटर आईडी है, जो आपका नेबर का राउटर आईडी उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन बताएगा, और ये प्रायोरिटी आपको बता रहा है डीआर बीडीआर इलेक्शन के लिए। ये प्रायोरिटी बेसिकली आपको किसके लिए मिलते हैं, इथरनेट लिंक के लिए आपके पास एक होता है डीआर बीडीआर इलेक्शन, उस इलेक्शन में बाय डिफॉल्ट आपके डिवाइस क्या करते हैं प्रायोरिटी वन को यूज करते हैं वैल्यू, हालांकि 1 से लेकर 255 तक को ये यूज कर सकते हैं, अगर 255 किसी ने ये हाईएस्ट उस टाइम पे हम देखेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होता है वो आपका बेस्ट बन जाता है, 0 होता है तो कोई इलेक्शन नहीं होता है। और ये स्टेट बता रहा है उसी डीआर बीडीआर इलेक्शन के बाद आपका स्टेट क्या हुआ है उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है, और ये स्टेट बता रहा है आपका फुल फुल मतलब आपका नेबरशिप हो गया और आपके अपडेट्स भी एक्सचेंज हो गए उसके बाद आपके स्टेट जो है फुल होते हैं, हालांकि आगे इसके बारे में भी हम देखेंगे, और इसने खुद डीआर बना है इसलिए ये बता रहा है, सॉरी आपका नेबर जो है ना वो नेबर आपका डीआर है इसीलिए ये बता रहा है कि ये मेरा डेजिग्नेटेड राउटर है। और डेट टाइम आपका 32 है, ये बेसिकली आपका रिफ्रेश होते रहते हैं, एक बार आपके पास ये 30 तक आते हैं तब तक और एक हेलो मैसेज रिसीव हो गया तो फिर उसके बाद ये क्या होता है आपका रिफ्रेश होकर 40 से फिर चालू हो जाता है। और ये बता रहा है नेबर का कौन सा आईपी एड्रेस मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब नेबर के कौन से आईपी एड्रेस से मेरे पास हेलो मैसेज वगैरह आ रहे हैं वो इंटरफेस का आईपी। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इस वाले राउटर पे है तो ये बेसिकली जब भी कोई हेलो मैसेज भेजेगा तो ये इंटरफेस से भेजेगा फास्ट इथरनेट 0x0 से, तो इसी का आईपी बेसिकली आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद ये बता रहा है कि नेबर का कौन सा इंटरफेस से मैं कनेक्टेड हूँ, ये आपका फास्ट इथरनेट नेबर का फास्ट इथरनेट 0x0 हमने यूज करके रखा है इसलिए ये आपको बता रहा है फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस। तो ये बेसिकली आपकी नेबर की कुछ वेरिफिकेशन करने के लिए। उसके बाद अगर आप राउट चेक करना चाहते हो तो फिर आपके पास होता है 100 IP राउट, आप चाहो तो OSPF चला सकते हो, नहीं तो आपको सारे राउट दिखाएंगे, सिर्फ OSPF से कौन सा राउट आपका रिसीव हुआ है उसे चेक करने के लिए आप ये कमांड चला सकते हो। स्पेसिफिकली किसी एक राउट के लिए अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हो तो उस केस में आपको 100 IP राउट OSPF फिर उसके बाद आपका उस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन, सॉरी 100 IP राउट उसके बाद वो एग्जैक्ट नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन आपको डालना होता है, उसके बाद ये आपको पूरे इन्फॉर्मेशन आपको एक नेटवर्क के बारे में बता देता है। पहले में ये बता रहा है कि एंट्री आपका नेटवर्क और सबनेट मास्क के साथ क्या है, किससे रिसीव किया गया है ये बता रहा है, OSPF 100 से, और डिस्टेंस वैल्यू इसके लिए क्या है एडी वैल्यू, मेट्रिक इसके लिए कितना ये आपका कॉस्ट होता है इसलिए ये दो बता रहा है, और ये इंट्रा एरिया आपके पास है। आपके पास दो एरिया होता है, एक होता है इंट्रा एरिया और एक होता है इंटर एरिया, कुछ टेक्निकल छोटा सा कॉन्सेप्ट एक है बस नाम से पहचाना जाता है आपका कैसा है। अब देखो ये एक राउटर आपके पास है तो ये दो राउटर है तो ये आपका एबीआर बन गया, ये एरिया जीरो हो गया, ये हो गया एरिया 5 कुछ भी हो ठीक है। तो यहां पे कोई एक्स नेटवर्क था
ये एक्स नेटवर्क जब ये राउटर इसको एडवर्टाइज करेगा, इसके लिए ये होगा इंट्रा एरिया नेटवर्क, और ये इंट्रा एरिया नेबर बनेगा। इस एरिया को, टोटल एरिया को आप बोलोगे इंट्रा एरिया, ये भी एक आपका टोटल एरिया को आप क्या बोलोगे इंट्रा एरिया। यहाँ पे भी कुछ राउटर आपके पास कनेक्टेड है, लेकिन ये प्रीफिक्स जब इसके पास आएगा तो ये एरिया जीरो के अंदर भी जाएगा, क्योंकि एरिया जीरो इसके साथ कनेक्ट है, तो ये राउटर आपका एबीआर की तरह काम करेगा, और एबीआर का काम होता है एक एरिया की इन्फॉर्मेशन को दूसरे एरिया में इंजेक्ट करा देना, तो ये एक्स इन्फॉर्मेशन को इसमें इंजेक्ट करा देगा। तो इस राउटर के लिए अगर आप राउटिंग टेबल में देखोगे, एक्स नेटवर्क होगा इंटर एरिया, आईए करके आपको दिखाएगा। इंटर एरिया मतलब मेरे को आया है, लेकिन ये राउट एक्चुअल में क्या है, किसी दूसरे एरिया के अंदर ये अवेलेबल है, इसलिए किसी एक एरिया के राउट जब दूसरे एरिया में मतलब एंटर हो जाते हैं तो उसे इंटर एरिया राउट बोलते हैं। एक एरिया के अंदर जो राउट आपका एक्सचेंज हुए रिसीव हुए उसे आप क्या बोलते हो, इंट्रा एरिया। इसलिए ये आपको बता रहा है कि ये एक इंट्रा एरिया टाइप का है। तो ये लास्ट अपडेट किससे रिसीव हुआ था उसके इंटरफेस का आईपीए बता रहा है, जिस इंटरफेस से आपका अपडेट का मैसेज आया था उसके बारे में, और इंटरफेस कौन से वाले इंटरफेस पे, मेरे कौन से वाले इंटरफेस पे ये रिसीव हुआ है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है, और कितने टाइम पहले ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया था। ये टाइम बेसिकली आपका बढ़ते जाते हैं, तो 10 मिनट 40 सेकंड पहले हमें ये अपडेट आपका रिसीव हुआ था। तो ये राउटिंग डिस्क्रिप्शन बेसिकली यही आपका यूज किया जाता है जब भी आपके राउटिंग डिसीजन इस नेटवर्क के कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आगे भेजा जाएगा, ये जो नेटवर्क के लिए। तो ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपके एक्जैक्टली यूज किया जाता है। अगर आपके पास मल्टीपल पाथ से कोई राउट रिसीव हुए हैं तो आपको राउटर डिस्क्रिप्टर ब्लॉक में आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, राउट की इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली इसी को यूज करते हैं। इसमें से ये क्या करेगा, जब भी इसे इस नेटवर्क की कोई भी आईपी को कोई मतलब कोई मैसेज वगैरह भेजना है या फिर डेटा भेजना है, तो ये नेक्स्ट हॉप आईपी इसको यूज करेगा और एग्जिट करेगा डाटा किससे, फास्ट इथरनेट 0/0 से, और ये इन्फॉर्मेशन इसी को यूज करके आपका किया जाता है राउटिंग डिसीजन। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ डेटाबेस वेरिफिकेशन वगैरह के लिए आपके पास बहुत सारे ओएसपीएफ का कमांड होते हैं। जब हम डेटाबेस के बारे में एक के बाद एक हम देखेंगे तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन हम फिर देखेंगे कैसे करना है। तो एक बार मैं काम करता हूँ, मैं इंटर एरिया कम्युनिकेशन जो आपके पास होता है ना, वो एक बार मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये 20 का नेटवर्क था, ये आपका अभी के लिए मैं इस राउटर को क्या करूँगा, एक एबीआर की तरह काम कराऊंगा। तो ठीक है, मैं इनके बीच कम्युनिकेशन करा दी। द केबल ओके, तो इसके पास कोई इंटरफेस अवेलेबल नहीं है, तो एक काम करते हैं कि इंटरफेस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको स्विच अप किया, ये इसमें एक फास्ट इथरनेट है ना, तो मेरे को कुछ मल्टीपल चाहिए। ठीक है, मैंने इसको ले लिया, फिर इसको ऑन कर लिया। चलो अब के लिए मैं कनेक्ट कर सकता हूँ केबल, तो मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी। तो इन दोनों के बीच जो नेटवर्क मैं यूज करूँगा वो नेटवर्क 23 का बनेगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 23.0.0.3, ठीक है। और इसमें भी मैं ओएसपीएफ चला लेता हूँ, राउटर ओएसपीएफ, यहाँ पे भी मैं 1 चला लेता हूँ। और इसमें ना मैं क्या करूँगा, 23 को मैं एडवर्टाइज कराऊंगा, 23.0.0.0। तो उसके लिए मैंने एरिया 0 यूज किया है ना, तो इसके लिए मैं एरिया 5 यूज करता हूँ, हो जाएगा कोई दूसरी एरिया हमारे पास। तो इसमें भी मैं जाके इथरनेट 1/0 से वो कनेक्ट है, तो उसको भी मैं ओएसपीएफ में एडवर्टाइज कर देता हूँ। तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंटरफेस में आईपी दे दूंगा, इंटरफेस इथरनेट क्या था, 1/0, 23.0.2, ठीक है, 900 डाउन तो मैंने कर लिया। तो फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, राउटर सेम ओएसपीएफ प्रोसेस के अंदर मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरे को सेम ओएसपीएफ प्रोसेस के अंदर क्या करना है कि मेरे को राउट जो है ना एक एरिया से दूसरे एरिया में एबीआर जो है वो काम कराना है ना, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों एरिया के इंटरफेस जो है एक प्रोसेस के अंदर भी होना चाहिए। मल्टीपल प्रोसेस होगा तो आपको पता है कि आपका ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा, तो मेरे को नहीं करना है ब्रेक, कम्युनिकेशन तो कराना है ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, राउटर ओएसपीएफ इसमें हमने 200 चलाया था, और इसमें उसी प्रोसेस के अंदर मैं क्या करूँगा, नेटवर्क 23 को मैं क्या करूँगा एरिया 5 के अंदर डालूंगा, ताकि मेरा नेबरशिप बन जाए।
थोड़ी देर हम वेट कर लेंगे कि आपका नेबरशिप ऑप आया कि नहीं आया चेक करने के लिए। ठीक है, नेबरशिप आपका ऑप आ गया। देखो अभी के लिए अगर इस राउटर के ऊपर मैं 200 आईपी राउट चलाता हूं, तो आप देखना इसके पास 10 का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि OSPF का इंट्रा एरिया है। OSPF इंट्रा एरिया में कोई अगर आपका प्रीफिक्स रिसीव हुआ इंट्रा एरिया नेबर से, तो उस केस में ये सिर्फ O के साथ दिखाता है। ठीक है, तो ये 10 का नेटवर्क जो है हमारा इस राउटर के पास ऑलरेडी OSPF में अवेलेबल है राउटिंग टेबल में। ये 10 का नेटवर्क था आपका। ठीक है, तो इस राउटर के साथ इसका नेबरशिप बन गया। तो इस पे जाके मैं एक बार चेक करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ये इसके पास आया कि नहीं आया। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख लो, इसके पास 10 के इन्फॉर्मेशन आ रहा है और यहाँ पे ये बता रहा है इंटर एरिया। आई ए मतलब आपका होता है इंटर एरिया। इंटर एरिया मतलब मेरे पास दूसरे एरिया से ये इन्फॉर्मेशन जो है रिसीव हुआ है, और टोटल ये कॉस्ट वगैरह आपका काउंट करके जो भी आपका जो भी वैल्यू होता है वो इन्फॉर्मेशन ये अपडेट करके रखा है। तो ये आपका बेसिकली एक एरिया आपका क्या था, एरिया जीरो के अंदर था, और दूसरे एरिया आपका एरिया फाइव के अंदर था। इसलिए आपका जो राउटर है ना, कौन सा वाला राउटर, ये राउटर आपका एक एक इंटरफेस या फिर मल्टीपल इंटरफेस इसने एरिया जीरो के अंदर रखा था और दूसरी इंटरफेस नॉर्मल एरिया के अंदर रखा था। इसीलिए इस राउटर को आप क्या बोलोगे, ABR। और ये राउटर आपका दोनों के दोनों इंटरफेस एक ही एरिया में है, इसलिए आप इसे बोलोगे एरिया राउटर। लेकिन ये इसके पास मल्टीपल एरिया में है और एक इसका इंटरफेस बैकबोन एरिया में है, इसलिए आप इसे बोलोगे एरिया बॉर्डर राउटर। ये भी एक एरिया राउटर कहा जाएगा क्योंकि ये एक एरिया से बिलोंग करता है। ठीक है, तो एक एरिया से दूसरे एरिया आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका इस तरह का आप कर सकते हो, या फिर जो सिनेरियो मैंने आपको बताया उसके ऊपर आप कुछ भी और भी टेस्ट करके आप कर देख सकते हो कि नॉर्मल एरिया से नॉर्मल एरिया आपका कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप टेस्ट करना चाहो तो प्रोसेस आईडी को भी डिवाइड करके आप टेस्ट वगैरह कर सकते हो कि उसमें एक्चुअली काम क्या रहा है, क्या कर रहा है। आज के लिए इतना ही, अगर इसमें किसी के पास कोई सवाल या फिर क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो।